तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ इस प्रकार का स्वतंत्रता दिवस का पोस्टर एडिटिंग अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हो बिल्कुल आसान तरीके से, तो गाइस बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं सबसे आसान तरीके से ऐसा पोस्टर एडिटिंग करने को बताने वाला हूँ। और गाइस, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पोस्टर का PLP फाइल का लिंक मिलेगा, जिसको मैंने एक जीप फाइल के अंदर रखा हुआ है। तो जी फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी मिल सकता है। तो बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आप लोग भी ऐसा पोस्टर बना सको। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पिक्सल ऐप है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करते हैं। तो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको सिंपल से 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा open.plp फाइल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस, आपको ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन होंगे, तो उसमें से भी आपको PLP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप लोग इस पोस्टर के जिप फाइल को डाउनलोड करके उसमें पासवर्ड डालकर जब अनजिप करोगे, तो आपका PLP फाइल का लिंक यहीं पर आएगा नीचे की तरफ आपका। तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं पिक्सल लैब में मराया हूँ, तो चलो पिक्सल लैब ओपन करते हैं। तो पिक्सल लैब ओपन होने के बाद गाइस, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा स्वतंत्रता दिवस पोस्टर एट PLP करके। तो इस पर आपको क्लिक करके ओपन एंड एड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सा एक बार बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद गाइस, देख सकते हो कि हमारा बनाया हुआ पोस्टर कुछ इस प्रकार से ऐड हो चुका है। तो इसमें से आप जो चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि ये वाला फ़ोटो हटाकर यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो चलो गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक दूसरा फ़ोटो ऐड करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले इस फ़ोटो पर टाइप करना है और इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद गाइस, आपको इस वाला ऑप्शन पर आना है, इनपुट पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इनपुट पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट आपके गैलरी के अंदर लेके जाएगा। तो वहाँ से आप लोग अपना फ़ोटो चूज कर लेना है। तो चलो गाइस, मैं कुछ फ़ोटो को PNG बनाए, तो उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। और गाइस, आप लोग को PNG फ़ोटो नहीं बनाने आता है, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप देखकर PNG फ़ोटो बना सकते हो। तो चलो गाइस, मैं ये वाला फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पर एक सही का निशान मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बड़ा सा बिंदु मिलेगा, तो इस पर आपको टाइप करके आप फ़ोटो को जितना छोटा बड़ा रखना चाहते हो इसके हिसाब से आप रख सकते हो। तो और रखने के बाद गाइस, देख सकते हो कि यहाँ पर 2 बॉक्स का बना हुआ है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, और फिर इस फोटो पर आपको थोड़ा सा होल्ड करना है और नीचे की तरफ लेकर जाना है। और यहाँ पर लाने के बाद गाइस, यहाँ पर इस ये जो लाल पट्टी दिख रही है उसके बीच में इस आप अपना फ़ोटो को रख देना है। और रखने के बाद गाइस, देख सकते हो कि हमारा फ़ोटो यहाँ पर अच्छे तरह से एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने नाम भी लिख रखा है, तो इस नाम वाले ऑप्शन पर बस 2 बार आपको क्लिक करना है। और गाइस, आप लोग यहाँ से जो भी अपना नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो आई होप गाइस, आपको ये वाला वीडियो पसंद आया। तो मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग पोस्टर एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।